जैसे कि देख सकते हो, मैं आज ड्रॉ करने वाला हूँ टीम सेवन को नारुतो से। तो चलो इसको फटाफट पहले इरेज कर लेते हैं। तो उसको मैंने बहुत दिन पहले मतलब बना के रखा था और अब इसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो पहले इसको मैं नेडेबल इरेजर से इरेज करूँगा और उसके बाद जो जो मार्कर होता है मतलब जो परमानेंट मार्कर है उससे मैं मार्क कर लूँगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि देख सकते हो, मार्कर यूज़ करने के बाद ये वाला जो आउटलाइन है कितना अच्छा लगता है और एक फाइन बॉर्डर भी मिल जाता है। बेसिकली हर एनिमे कैरेक्टर के ऊपर ये बॉर्डर होता है। तो मैं बेस टोन के लिए जितने भी जो जैकेट और हेयर है सबके ऊपर मैं जो डॉम्स का ब्रश पेन होता है उसका यूज़ करूँगा। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ग्रीन कर रहा हूँ काकाशी के ऊपर, साकुरा के हेयर में, नारुतो के हेयर और ड्रेस में, एंड सास्के के ड्रेस में। इस सब में मैंने बूस्टर जो डॉम्स का मार्कर होता है उसको मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर जो हेडबैंड है इसमें मैंने मेटालिक टोन देने के लिए डार्क पार्ट में डार्क थोड़ा ग्रे का यूज़ किया और लाइट पार्ट में मैंने जो ग्लास मार्किंग पेंसिल होता है उसका यूज़ करके मैंने ब्लेंड कर दिया। तो काकाशी के मार्क्स के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत कलर मैंने करके रख दिया था पहले ही। काकाशी का हेयर बनाने के लिए मैं जो डार्क पोर्शन है उसमें मैं पिंक का यूज़ करूँगा और जहाँ पर लाइट आ रहा होगा वहाँ पर मैं ग्रे और वाइट से मैं मर्ज कर दूँगा। तो चलो फटाफट जो शैडो उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं जो लाइट पार्ट है उसमें मैं ग्रे ले लूँगा, उसके साथ वाइट से मैं मर्ज कर दूँगा। जैसे कि देख सकते हो, ऑलमोस्ट हो गया मेरा ये वाला हेयर। फेस के लिए मैंने जो स्किन टोन है उसका मैंने यूज़ किया और डार्क पार्ट में मैंने थोड़ा बहुत ब्राउन का यूज़ किया था जैसे कि देख सकते हो। अब मैं जो मार्क्स है उसको पहले डीप ब्लू से मैं एक कोट करूँगा और लेफ्ट साइड में पूरा डार्क है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लैक यूज़ करूँगा और लाइट में पूरा डार्क जो ब्लू है उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लैक लेके मैं मर्ज कर दूँगा। जैकेट के ऊपर डार्क पार्ट के लिए मैं डार्क ग्रीन का यूज़ करूँगा और लाइट पार्ट के लिए थोड़ा बहुत मैं जो येलो का उसका यूज़ करूँगा। जैकेट के जो हाथ का पार्ट है उसमें मैं डार्क पोर्शन में फिर से मैं ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ और वाइट वाइट पार्ट के लिए मैंने थोड़ा बहुत ब्लू का यूज़ किया था। जैसे कि नारुतो का हेयर का बैक मतलब जो डार्क पार्ट है उसमें मैंने जो ऑरेंज कलर होता है उसका मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया, मतलब डार्क पिंक भी बोल सकते हो। जैकेट में जहाँ पर शेडो आ रहा था उसमें मैंने ब्लैक का यूज़ किया था। साकुरा के हेयर के डार्क पोर्शन में मैं पिंक का यूज़ करूँगा और जो सास्के का जो हेयर है इसमें मैं डायरेक्ट ब्लैक का ही यूज़ करूँगा और जो वाइट पार्ट है उसमें मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लैक से मर्ज कर दूँगा। तो और जो डार्क पोर्शन है उसमें मैं मार्कर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी काकाशी के जो हाथ में है उसमें भी स्किन कलर से मैंने कर लिया और नारुतो के फेस में मैंने बेस टोन में एक हल्का लेयर दिया स्किन कलर से और डार्क पार्ट के लिए मैंने पिंक और जो ब्राउन है उसका यूज़ किया, उसके बाद वाइट से मैंने मर्ज कर दिया। टीथ के अंदर जो शैडो पार्ट आ रहा था उसमें मैंने ग्रे का यूज़ किया था और जितने भी जैकेट के पार्ट है उसमें भी जो कॉलर वाला पार्ट है उसमें भी ग्रे हुआ था। तो फेस तीनों जो एक्स्ट्रा है मतलब काकाशी, नारुतो, सस के जो चारों है सब सेम होगा। पहले बेस टोन स्किन कलर से होगा, उसके बाद जहाँ पर डार्क टोन है उसमें पिंक और ब्राउन का मर्ज होते जाएगा। टीथ के ऊपर भी सेम हो रहा है, जैसे कि शैडो आ रहा है तो उसमें ब्राउन होगा। ग्रे होगा। यहाँ पर जो राइट साइड में नारुतो का हैंड है और जो सास्के का हैंड है इसको मैंने खुद से बनाया है। इवन जो काकाशी का और नारुतो का साइड वाला पार्ट है उसमें उसको भी मैंने मेरे इमेजिनेशन से बनाया क्योंकि ड्राइंग में था नहीं, मतलब जो रेफरेंस था उसमें। तो देखते ही देखते मैंने सेम प्रोसेस से मैंने सास्के का भी फेस बना लिया जैसे कि देख सकते हो।
और जो बाकी का पार्ट है उसको मैं वाटर कलर के से यूज़ करूँगा, और जो ये वाला जो ब्राउन वाला पार्ट है उसमें मैं जो डार्क टोन का जो मार्कर है उससे यूज़ कर रहा हूँ। सास्के का जैकेट भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको एनिमे आर्ट देखना है तो कमेंट में लिख सकते हो आपको किसका देखना है नेक्स्ट वाला वीडियो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।